हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट, आपके दोस्त काजो। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, दर्शकों को अपने गानों पर झूमने पर मजबूर भी कर दिया। शाहरुख खान ने इस बार मीडिया का सहारा ना लेते हुए ट्विटर के जरिए अपने दर्शकों के साथ जुड़ने का मन बनाया था। बीते कुछ दिनों से शाहरुख खान अपने चाहने वालों को खुश करते नजर आ रहे हैं। उनके मजेदार सवालों का शानदार जवाब देते हुए शाहरुख इंटरनेट पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। पठान बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रही है। पठान के चाहने वाली उनकी फिल्म को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पांच पांच बार देखने जा रहे हैं। यकीन नहीं होता तो आप शाहरुख खान के फैंस से मिल लीजिए, जो शाहरुख खान से ट्विटर पर हिसाब किताब करता नजर आ रहा है। दरअसल हाल ही में शाहरुख खान ने ट्विटर पर आस्क SRK सेशन रखा था। हर सेशन के जवाब को पढ़ने के बाद यकीनन आप भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। दरअसल एक यूजर ने कमेंट करते हुए शाहरुख खान से कहा कि पांच बार गया पठान देखने, 700 करोड़ में से 1 करोड़ तो दे ही दो सर। अपने फैन को जवाब देते हुए शाहरुख खान ने उन्हें शेयर मार्केट का हिसाब किताब समझा डाला। शाहरुख ने रिप्लाई करते हुए लिखा, भाई इतना रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलता शेयर मार्केट में भी, फिल्म को और कई बार देखो फिर सोचेंगे, हा 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 पठान। शाहरुख खान का ये मस्तीखोर अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। शाहरुख खान के ऐसे कई चाहने वाले हैं जिनका रिप्लाई वो कर रहे हैं और उनका दिन बना रहे हैं। शाहरुख खान के मजेदार अंदाज दर्शकों को खूब भा रहा है। वहीं बात करें पठान की तो दिन पर दिन पठान की कमाई का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पठान ने बीते दिनों कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। 300 करोड़ के क्लब में शामिल होते हुए पठान ने सबसे पहले आंकड़ा पार किया। बस 7 दिनों में पठान ने 300 करोड़ के क्लब में अपनी जगह बनाई। रिलीज के दूसरे हफ्ते शाहरुख खान की पठान यकीनन 400 करोड़ का आंकड़ा तो आसानी से पार कर लेगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा आडवाणी की शादी को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है। जैसलमेर में होने वाले कपल की प्री वेडिंग और वेडिंग को लेकर लगातार दिलचस्प गॉसिप्स हो रही है। अब सिद्धार्थ कियारा की संगीत सेरेमनी से जुड़ी अपडेट्स भी आ गई हैं। बताया जा रहा है कि कपल की संगीत सेरेमनी को स्पेशल बनाने के लिए फैमिली मेंबर्स ने भी खास तैयारी की है। इस साल की सबसे बड़ी शादी राजस्थान में होगी। कुछ खबरों की माने तो कपल ने अपनी शादी के लिए जैसलमेर के महल नुमा सूर्यगढ़ महल को बुक किया है। सिद्धार्थ और कियारा के परिवार 4 फरवरी को आलिशान रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं, जबकि कपल वहां 5 फरवरी को पहुंचेगा ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें एयरपोर्ट पर देखा है, स्पॉट किया है। वही सिद्धार्थ और कियारा की संगीत सेलिब्रेशन भी बेहद खास होने वाली है। कुछ खबरों की माने तो फैमिली मेंबर्स ने स्पेशल परफॉर्मेंस तैयार की है। वही संगीत सेरेमनी के लिए बॉलीवुड के कई पॉपुलर ट्रैक की लिस्ट बन गई है। इसमें काला चश्मा से लेकर बिजली, रंग सारी, डिस्को दीवाने, नच देने सारे को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। सिद्धार्थ और कियारा की ड्रीमी वेडिंग में लगभग 125 करीब दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हैं। गेस्ट लिस्ट में करण जौहर, शाहिद कपूर, कटरीना, विकी कौशल, मनीष मल्होत्रा, ईशा अंबानी और सुबान खान जैसे सेलेब्स के नाम भी शामिल है। भाई हमें भी इंतजार है कि कियारा और सिद्धार्थ कब साथ फेरे लेंगे। ड्रामा क्वीन राखी सावंत किसी अलग पहचान की मोहताज तो नहीं। आए दिन राखी सावंत किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। मौजूदा समय में राखी सावंत का नाम उनकी शादी और हस्बैंड आदिल खान दुर्रानी को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। राखी सावंत ने सरेआम अपने पति आदिल पर उन्हें धोखा देने जैसे कई आरोप लगा दिए। साथ ही पेपराजी के सामने रोते बलखते हुए राखी ने अपना दर्द बयां किया। मौजूदा समय में राखी सावंत के लिए अच्छा नहीं है। हाल ही में राखी सावंत की मां का निधन हुआ और अपनी शादी और पति आदिल खान को लेकर राखी सावंत की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया है। तो ऐसी मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।